टीवी का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस, जिसके आने वाले सीजन को लेकर ऑडियंस में हमेशा बज बना रहता है, जहां इस शो में पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट को लेकर भी ऑडियंस एक्साइटेड रहती है कि आने वाले शो में कौन से सेलेब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वेल, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बिग बॉस के सीजन 16 में आने वाले सेलेब्स के नाम बताएंगे जो इस शो में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती हैं आमना शरीफ, टीवी मॉडल और एक्ट्रेस आमना शरीफ, जो टीवी शो कहीं तो होगा मैं कशिश, होंगे जुदाना हम में मुस्कान और कसौटी जिंदगी के 2 में कमोलिका बासु के रोल से काफी फेमस हुई। वहीं आमना को टीवी शोज के अलावा मूवी एक विलेन में सुलोचना, आलू चाट में आमना और इसके अलावा कई और मूवीज में भी देखा गया है। वेल, अब आपको आमना शरीफ बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आ सकती है। वहीं इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती हैं शुभाबी चौकसे, टीवी एक्ट्रेस और मॉडल शुभाबी चौकसे, जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मीरा सिंघानिया, कहानी घर घर की में ऋषिका राय और कसौटी जिंदगी की में मोहिनी बासु के रोल से काफी फेमस हुई थी। वहीं इसके अलावा शुभाबी चौकसे को धड़क मूवी में भी देखा जा चुका है। और अब शुभाबी, जो बड़े अच्छे लगते हैं कि सीजन 2 में नंदिनी कपूर के रोल में नजर आ रही हैं, वहीं शुभाबी चौकसे अब आपको बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आ सकती हैं। वहीं इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं आनस रशीद, हिस्टोरिकल ड्रामा धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज चौहान के रोल से फेमस हुए आनस रशीद, जो टीवी के पॉपुलर शो दिया और बाती में सूरज राठी के रोल में भी नजर आ चुके हैं। वहीं आनस 2017 के बाद उन्हें किसी भी टीवी शो या मूवी में नहीं देखा गया, जहां अब आनस रशीद आपको बिग बॉस के सीजन 16 में नजर आ सकते हैं। वहीं नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर इस लिस्ट में आते हैं फिल्म एंड टीवी एक्टर अंकित मोहन। अंकित मोहन जो मराठी सिनेमा में काम करते हैं, जहां वो फेमस टीवी शो महाभारत, कुमकुम भाग्या, नागिन 3 और हैवान में भी नजर आ चुके हैं। वहीं इसके अलावा वो वेब सीरीज 2020 में एक थी बिगम में जहीर के रोल में भी नजर आ चुके हैं। वहीं अब आपको अंकित मोहन बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आ सकते हैं। वहीं इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं कनन मल्होत्रा, टीवी एक्टर और मॉडल कनन, जो सवारे सबके सपने, प्रीतो, प्यार तूने क्या किया, नवरंगी रे, राधा कृष्ण जैसे कई पॉपुलर टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं, जहां अब कनन पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में कुनोजी राव के रोल में नजर आ रहे हैं। वहीं इसके अलावा अब आपको कनन बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आ सकते हैं। जहां इस लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं मॉडल और टीवी एक्टर आद्विक महाजन। आद्विक महाजन जिन्होंने 2018 में मूवी कॉन्ट्रैक्ट से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जहां इसके अलावा उन्होंने 2013 में टीवी शो बानी इश्क तक कालमा से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया, जहां इसके अलावा वो कई पॉपुलर टीवी शो अकबर बीरबल और दिया और बाती में भी नजर आ चुके हैं। और अब आद्विक आपको बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आ सकते हैं। वहीं आद्विक के अलावा इस लिस्ट में नंबर 7 पर आती है प्राची देसाई, टीवी शो कसम से में बानी के रोल से रातों रात फेमस हुई प्राची, जो झलक दिखलाजा के सीजन 2 की भी विनर रह चुकी है। वहीं इसके अलावा प्राची, जो कई पॉपुलर मूवीज वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, रॉकऑन, रॉकऑन 2, बोल बच्चन, एक विलेन और अजहर के अलावा कई मूवीज में भी नजर आ चुकी हैं। और अब प्राची आपको बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आने वाली है। वहीं इस लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम जिन्होंने साथ निभाना साथिया, कुंडली भाग्या, उड़ान, रूप और साथ निभाना साथिया 2 जैसे कई पॉपुलर शोज भी किए हैं, और अब आपको मोहम्मद बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आ सकते हैं। वहीं इस लिस्ट में नंबर 9 पर आती है नेहा शेट्टी, मॉडल और तेलुगु एक्ट्रेस नेहा, जो कई तेलुगु मूवीज में भी नजर आ चुकी हैं, और अब आपको नेहा बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आ सकती हैं। जहां इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं टीवी के पॉपुलर एक्टर हर्षद चोपड़ा। हर्षद चोपड़ा जो कई पॉपुलर टीवी शो किस देश में है मेरा दिल में, प्रेम जुनेजा, तेरे लिए मैं, अनुराग गांगुली और बेपना में आदित्य के रोल से भी काफी पॉपुलर हुए, जहां अब हर्षद टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में डॉक्टर अभिमन्यु के रोल में नजर आ रहे हैं। वहीं अब आपको हर्षद बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आ सकते हैं। वही बात करें इस लिस्ट में नंबर 11 की, तो इस लिस्ट में नंबर 11 पर आते हैं लॉकअप के सीजन 1 के विनर रह चुके मुनव्वर फारूकी, स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का भी हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें वीजा ना मिलने के कारण वो इस शो का हिस्सा नहीं बने, लेकिन अब आपको मुनव्वर बिग बॉस के सीजन 16 में नजर आ सकते हैं। वहीं इस लिस्ट में नंबर 12 पर आती हैं टीवी एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे। पूनम पांडे 2011 में खतरों के खिलाड़ी सीजन 4 का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जहां 2022 में पूनम पांडे को कंगना रनौत के शो लॉकअप में भी देखा गया था।
वहीं इसके अलावा पूनम ने 2013 में फिल्म नशा से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जहां उसके बाद उन्हें 2017 में जीएसटी गलती सिर्फ तुम्हारी और 2018 में द जर्नी ऑफ कर्मा में भी देखा गया। वहीं अब आपको पूनम पांडे बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आ सकती हैं। वहीं इस लिस्ट में नंबर 13 और नंबर 14 पर आते हैं राजीव सेन और चारू असोपा। राजीव सेन जो बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के भाई हैं, राजीव सेन पेशे से एक मॉडल और एंटरप्रेन्योर हैं, जहां राजीव और चारू 2022 में एक दूसरे से डाइवोर्स लेना चाहते थे और राजीव ने डाइवोर्स लेने का कारण बताया कि चारू पहले से ही मैरिड थी और उन्होंने इस बारे में मुझे नहीं बताया था। जहां राजीव ने चारू के साथ डाइवोर्स लेने का कारण ट्रस्ट इश्यू बताया। वहीं इनके डाइवोर्स को लेकर मीडिया में काफी सारी बातें सामने आई, लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने आपसी सहमति से इस डाइवोर्स को रोक दिया, जहां अब आपको राजीव सेन और चारू असोपा बिग बॉस के सीजन 16 में नजर आ सकती हैं। वहीं चारू असोपा की बात करें तो चारू असोपा एक टीवी एक्ट्रेस भी हैं, जिन्होंने 2009 के टीवी शो अगले जन्म मुहि बिटिया ही कीजो में सुरभि, ये रिश्ता क्या कहलाता है में स्नेहा, बड़ी अच्छी लगते हैं में सौदामिनी और कर्ण संगनी में कस्तूरी के अलावा कई टीवी शो में भी नजर आ चुकी हैं। जहां इसके अलावा चारू मूवी इम्पेशन विवेक में रानी और कॉल फॉर फन में सुश के रोल में भी नजर आ चुकी हैं। वहीं इस लिस्ट में नंबर 15 पर आती हैं सुनिधि चौहान। इंडियन प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान जो कई मूवीज और टीवी शोज में भी नजर आ चुकी हैं, यहाँ सुनिधि इंडियन आइडल के सीजन 5 और सीजन 6 की भी जज रह चुकी हैं। वहीं इसके अलावा सुनिधि 2018 में द रिमिक्स दिल है हिंदुस्तानी के सीजन 2 की भी जज रह चुकी हैं और अब आपको सुनिधि बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आ सकती हैं। वहीं इस लिस्ट में नंबर 16 पर आती हैं अमरपाली दुबे। भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस अमरपाली दुबे जो कई मूवीज में भी नजर आ चुकी हैं, जहां इसके अलावा अमरपाली टीवी शो सात फेरे में श्वेता सिंह और मायका में टीना के रोल से भी काफी फेमस हुई हैं। वहीं अब आपको अमरपाली बिग बॉस के सीजन 16 में भी नजर आ सकती हैं। वेल तो ये थे वो टॉप 16 कंटेस्टेंट जिन्हें मेकर्स ने अभी तक अप्रोच किया है। वेल ये देखना काफी एक्साइटेड होगा कि इन सभी टॉप 16 सेलेब्स में से कौन से सेलेब बिग बॉस के सीजन 16 में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वेल तो आप इन सभी सेलेब में से किस सेलेब को बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।